गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक रीडिंग लेकर आया हूँ, डिटेल रीडिंग लेकर आया हूँ, जो कि आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, खास तौर से उनके लिए जिनका डेट ऑफ बर्थ 2, 11 या 20 है और उनके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ आपका 6, 15 या 24 है। ये स्पेसिफिकली उनके लिए बहुत ज्यादा रेजोनेट होगी उनके लिए ऊपर, जो आज जो मैं डेट ऑफ बर्थ बताए हैं। और हाँ, बाकी लोगों पर भी रेजोनेट कर सकते हैं, सिचुएशन ऑलमोस्ट काफी तक सेम सी रहती है, लेकिन जो आज मैं ये 6 नंबर्स बताए हैं ना, इन 6 नंबर्स पे रीडिंग मैं करूँ 99% रेजोनेट होगी। तो रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। आप बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं इस रिश्ते में जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपने अंदर। अगर वो चेंजेस आप ले आते हो, देन ही'ल बी योर्स और शी'ल बी योर्स, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा चेंजेस क्या है, क्या गलतियां करो, लास्ट तक देखना, कोई चीज स्किप मत करना, ध्यान रखना। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर चीजें रेजोनेट होती हैं तो ही क्लेम कीजिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। और कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, कोई किसी भी जेंडर का इंसान दे सकता है, मेल फीमेल सेम जेंडर। और ये कोई आप कभी जब इस रीडिंग तक पहुंचते हैं, टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेगी तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, यदि आप हमारी तरह टैरो रीडिंग का कोर्स, हमारी तरह टैरो रीडर बनना चाहते हैं, टैरो रीडिंग का कोर्स करना चाहते हैं, तो मेरी वाइफ है भावना बाटला, जो कि एक पूरा प्रोफेशनल एक टैरो रीडिंग का कोर्स आपको कराएंगी। 17 डेज का कोर्स रहता है ये। अगर आप करना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ भी डिटेल लेना चाहते हैं, आप भी एज ए टैरो रीडर बनना चाहते हैं, अपना कुछ काम करना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा इसको सीखने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई भी एज नहीं, कोई मैटर नहीं करती। आप 20 साल की उम्र सीख सकते हैं, जब 50 साल की उम्र सीख सकते हैं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन एक विल पावर चाहिए कि हाँ आपको सीखना है, आपको पैसा कमाना है, आपको लोगों की हेल्प करनी है, किसी भी फॉर्म में आप अगर लेना चाहे ले सकते हैं। इसे सीखना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल नहीं व्हाट्सएप कीजिए। नंबर है मेरा 9560227240, ठीक है। जब तक मैं कार्ड को शफल करता हूँ, अपने पार्टनर को ध्यान कीजिए, जो भी क्वेश्चन आपके मन में है, जो भी डिवाइन पावर यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं, वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। ओके, तो फर्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, मैजिशियन, 7 ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। रिलेशन बहुत प्यारा चल रहा था, आपके पार्टनर के मन में भी आपके लिए प्यार था, लेकिन अभी कुछ डिस्ट्रैक्शन आ रहा है उनके आगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, सरेंडर कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं, मुझे दिखाई दे रहा है आप कहीं गिवअप की एनर्जी में आते जा रहे हैं आप। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, डोंट गिवअप, अभी बहुत चीज बाकी है आपके लाइफ में आना। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पैंट्स, ये कार्ड अच्छा आया आपके लिए बहुत, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। अब देखो मैं आपको बताता हूं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2, 11 या 20 है और आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 6, 15 या 24 है, आप क्या कर रहे हो मुझे यहाँ पे देखो क्लियरली शो कर रहे। पहला यहाँ पे कार्ड निकल के आया मेरे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का, साथ में आपका 7 ऑफ कप्स का, जो कि दिखाता है पहली चीज तो आपके आपने एक गिवर एनर्जी में रहे हो हमेशा, हमेशा देने के लिए। मतलब कहते हैं अगर आपके लाइफ में अगर कोई भी रिलेशन आता है ना, मैं कह रहा हूँ कि अपना कोई पर्सनल रिलेशन आए, चाहे फैमिली के साथ कोई रिलेशन है, आपकी एनर्जी हमेशा गिवर एनर्जी रही है। आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हो और वही लोग आपके ऊपर कदम रख के आगे बढ़ जाते हैं और आपको पीछे खींचते हैं, आप चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपका हो पर्सनल लाइफ हो, चाहे रिलेशनशिप की लाइफ हो। तो पहली चीज क्या है कि आप एक गिवर एनर्जी में रहते हो, जो कि आप जिसे कहते हो ना, जिसके साथ भी आप जुड़ते हो उसको एक अनकंडीशनल लव देते हो, बिना स्वार्थ के अपनी तरफ से पूरा एक 500% दे दोगे उसको प्यार, लेकिन वहां से आपको मिले ना मिले आपको उसकी परवाह नहीं रहती। लेकिन जब ये चीज रेगुलर सेम पैटर्न बार बार होती रिवाइज होती है ना, तो आपके मन में एक एंजाइटी शुरू हो जाती है, मन में गुस्सा, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, लेकिन आप वो चीज बोल भी नहीं पाते हो, अंदर ही अंदर डिप्रेशन में आते रहोगे कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, और आप लोग सपने बहुत ज्यादा देखते हो, चीजें भी हुई नहीं होती आपके सामने। सिंपल मान के चलो किसी इंसान ने आपसे 2 पल आगे प्यार से बातें करे और आप उसके आगे बादल बना लो कि मेरी से शादी होगी, बच्चे होंगे, आगे ये होगा, ये चीज आप करते हो।
आप एक कहते ना सपने देखने वाले, आप सपने बहुत जल्दी देख लेते हो, आपकी लाइफ में ये जो चीजें बहुत लेट आती हैं और साथ में कई बार चीजों को ना धोखे में आ जाती है, आप लोगों से धोखा बहुत ज्यादा खाते हो, ये भी चीज दिखाई दे रही है। और अगर आप मैंने जैसे बोला कि पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 6/15/24 है, तो वो देखो इंसान एक चीज समझा दूं, आप सामने वाले पर्सन से अगर प्यार करते ना, इट डजंट मीन कि आप उसको बांध के रखोगे। और यदि आपके पार्टनर का नंबर 6/15/24 है ना, वो कभी बंद के नहीं रहेगा। इसके पास देने के लिए प्यार बहुत है, कमिटमेंट देगा या अपनी मर्जी से देगा। ऐसे लोगों को सिर्फ एक ही तरीके से पकड़ा जा सकता है, अगर आप सिर्फ इनको इनकी तरीके से ट्रीट करो, इन्हें इनके सामने इमोशंस मत दिखाओ। और आप जानते हैं इस रिलेशनशिप में आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हैं। अगर ये इंसान आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करेगा, आप उसका 10 आंसर दे दोगे, अपनी लाइफ के सारे पन्ने खोल दोगे एज एन ओपन बुक। अगर आपके पार्टनर की बात करो, ये इंसान सिर्फ वही चीज बताता है जो आपको बतानी है उस मोमेंट पे, अपने आप को ऐसे मिस्ट्री बना के रखा है, कभी भी खुलेआम सच चीज नहीं बताया। और जानते ये इंसान इस तरीके का भी रहता है कि जब जब आप रिश्ते से जाने की कोशिश करोगे ना, थक हार करके मुझे रिश्ते में अब नहीं रहना, मूव ऑन, ये इंसान फिर से आपको आकर पैर भी पकड़ लेगा, सॉरी फील कर लेगा, फिर रिश्ते में आ जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर आप भी वैसे हो जाओगे, पैम्परिंग नेचर, इसी वजह से इंसान फिर से पुराने पैटर्न में फिर आ जाएगा। ये तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को चेंज करना है थोड़ा सा, अपने आप को एनर्जी ऐसी नहीं दी, चेजिंग एनर्जी नहीं देनी, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करनी। लेकिन आपने यहाँ पे यही करा है कि आपने इस समय देखा जाए तो जो 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकला है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि यार एक होता है ना कि मेरे हाथ से बहुत कुछ निकलता जा रहा है, और कहीं ना कहीं आप उस चीज का दोष अपने आपको दे रहे हो, मुझसे गलती हो गई है, मेरे से ऐसा हो गया, मेरे से ये इंसान मुझे छोड़ के जा रहा है। और आपने जानते हो उसको इंसान को ये तक बता रहा है कि आप उससे कितना प्यार करते हो, कि आप उसे कभी छोड़ नहीं सकते, आपके मन में उसके लिए फीलिंग कितनी हो, आप उसके साथ गिर डालते हो कि तू मुझे कभी छोड़ के मत जाइयो, तो वो तो फॉर ग्रांटेड लेगा ही लेगा। साथ में कार्ड निकला आपका 7 of Cups का, जो कि दिखाता है इस समय कन्फ्यूजन बहुत सारे हैं आपके मन में, एक बार को आ रहा है कि मुझे क्या रिश्ते से निकल जाना चाहिए ये, क्योंकि आपके साथ में जानते हैं कि बताता हूँ आपको, आपके पास्ट में लेके चलता हूँ आपको, आपके साथ पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है, आप किसी ऐसे सीरियस रिलेशनशिप में आए हो जो काफी लंबा चला है, लेकिन वहां से आपको धोखा मिला है, एंड मोमेंट पर आकर धोखा मिला है, तो आप वहां पर जाकर टूट चुके थे, और वही सेम पैटर्न कहीं ना कहीं आपकी तरफ आ रहा है, जो कि आपके मन में फियर क्रिएट कर रहा है, और वो फियर ही ना आपको पीछे खींच रहा है। आपने जो गलतियां पहले रिलेशनशिप में करी थी ना, आज भी आप वही सेम गलती करके बैठे हुए हो, सामने वाले को इतनी वैल्यू दे दी है कि वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है। साथ में कार्ड निकला है मेरे पे यहाँ पे 3 of Swords का और 5 of Wands। 5 of Wands की बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट हुआ, काफी मेजर आर्ग्यूमेंट हुआ है, जिसकी और आज जानते आर्ग्यूमेंट किस वजह से हुआ है, ये थर्ड पर्सन की वजह से, क्योंकि आपकी एनर्जी इस समय इस तरीके से हो चुकी है कि आप अपने पार्टनर को सांस तक लेने नहीं दे रहे हो, उसके पीछे भागना, उसके पीछे जिसे कहते हैं ना कि लाइक कमिटमेंट्स के लिए डिमांड करना बार बार, अरे भाई कुछ समय रुक तो जाओ। आपने अभी सारी अपनी फीलिंग्स उसके ऊपर थोपी है, माना कि उसने आपको प्यार बहुत दिया है, उसने आपको कमिटमेंट्स करे थे, आपका सवाल अभी है कि मुझे कमिटमेंट पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, ये उसको समय दो, उसके पीछे मत भागो। आप जब जानते हो कि वो इंसान आपके साथ सिर्फ तभी आपके पास आता है जब आप उसे छोड़ नहीं करते हो, उसको ऐसी एनर्जी दो ना कि आप उसके साथ हो या अपनी लाइफ मूव ऑन कर रही हो, वो अपने आप आ जाएगा। और जो थर्ड पर्सन है ना, ये कार्मिक है, ट्रस्ट में ये कार्मिक है, ये लंबा नहीं चलने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जिसे कहते हैं कि आपसे डिटैचमेंट करके अपने आपको दूसरी जगह इंडल्ज करना, वो चीज हुई है बस, क्योंकि आप इसके पीछे इतना पड़ चुके हो, इतने बार बार कॉल करना, मैसेज करना, बार बार इसको कहते ना कि बिल्कुल जीना हराम कर देना, वो चीज आपने कर रखी है कमिटमेंट के लिए, सुबह तो परेशान दवाई की तरह इसके पीछे लगे रहते हो, खाना खाया, ये करा, वो करा, कहां हो, क्या कर रहे हो, ये चीज नहीं करनी है। वो छोड़ो, आपने इसके पर्सनल स्पेस में घुसो, कोई भी इंसान अपने पर्सनल स्पेस में घुसने नहीं देगा किसी को भी, अगर घुसते हो तो वो इंसान हट जाएगा, उड़ जाएगा, ये लड़की है चाहे लड़का हो, लेकिन ये अगर आप इसे अपने बंधन बांधने की कोशिश करोगे ना, अपने कमिटमेंट्स में आई, अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग बांधने की कोशिश करोगे, ये नहीं बंधेगा, ये नहीं बंधेगी, इसको फ्री छोड़ना होगा, ये अपने आप आपके पास आएगा, अपने आप आपको कमिटमेंट भी देगा, क्योंकि प्यार तो करता है, ये गारंटी है। लेकिन इस समय थर्ड पर्सन का अटैचमेंट है, जिसकी वजह से आपसे डिटैचमेंट हो रखा है, और ये पैटर्न अभी नहीं बार बार रिपीट हुआ है, क्योंकि आपकी एनर्जी इस तरीके से आई है बार बार, ठीक है। साथ में कार्ड निकले है 5 of Cups का, आपको कहीं ना कैसा दिखाई दे रहा है, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट करा, बहुत इमोशंस, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से आपने इसमें इन्वेस्ट करा, लेकिन आपको हर चीज डूबती हुई दिखाई दे रही है, आपके एफर्ट्स डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, जिसकी वजह से आप जिसे कहते हैं ना कि ना अपने पे ध्यान दे पा रहे हो, ना अपने प्रोफेशन पे, और आप जानते हैं इसकी वजह से आपने अपने अपने सगे रिश्ते कहीं ना कहीं छोड़ दिए, परिवार के आरोप ध्यान नहीं, उनसे बात नहीं करो, हर तरीके से अपने आपको आपने डिटैच कर लिया है। और साथ में देखो कार्ड निकले मैजिशियन का, लेकिन मनी मन में आपके एक मैनिफेस्टेशन है
कि ये पर्सन वापिस है, क्यों आप इससे प्यार बहुत करते हो, इसे खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। आप यकीन नहीं मानोगे, ये मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी, हर हाल में होगी, आई कैन बेट यू ऑन दैट। लेकिन अपने अंदर चेंजेस ले आओ, बस आने वाले 2-4 महीने के लिए बिल्कुल गायब हो जाओ। गोस्ट की एनर्जी, उसको उसके अपने पास आने के सारे रास्ते खोल के रखने हैं, कोई ब्लॉक नहीं करना है। कोई जिसे कहते हैं ना कि कोई आप जो बोल देते हो कि सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया, कहीं ब्लॉकेजेस नहीं डालनी, इसको आने दो, आएगा। लेकिन अब रिश्ता हमारे अकॉर्डिंग चलेगा, अपने अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग नहीं। 2 बार फोन आया, 3 बार फोन आया, कॉल पिक मत करो, मैसेज आया सीन करके रिप्लाई मत करो, गारंटी दे रहा हूं। मैनिफेस्टेशन अगर पूरी करना चाहते हो ना, ये इंसान को इसी तरीके से ट्रीट करो। साथ में कार्ड निकला स्ट्रेंथ का, आपकी स्ट्रेंथ वीक होते भी दिखाई दे रही है, अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। जो आपने अपनी वीकनेस उसे बता रखी है ना कि मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ, तेरे बिना रह नहीं सकती हूँ, तो कुछ मर्जी कहे, कुछ मर्जी बोल, लेकिन छोड़ के मत जाइए। बस ये वही वीकनेस है जो कि उसको आपके लिए फॉर ग्रांटेडनेस लेकर आ रही है, वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, और इसी वजह से आपके साथ ये चीज हो रही है। आपकी आंखों में आंसू हर पल रहते हैं, छोटी सी बात होते हैं रो पड़ते हो, अरे भाई आपके पावर कहाँ है अंदर की, क्यों भाग रहे उसके पीछे। मत भागो, मत भागो, मत भागो, गारंटी दे रहा हूं ये पर्सन आपके पास आएगा और हर हाल में आएगा। लेकिन अपना पैटर्न थोड़ा चेंज करो, ये नहीं कि आने के बाद अपना सेम पैटर्न दोबारा रिपीट कर दिया, नहीं, पैटर्न सेम ही रखना पड़ेगा आपको। जो इतने सालों की आपने गंदी आदत उसे लगा रखी है अपने पीछे, आप जो उसके पीछे भाग रहे हो, उसके पीछे पैम्परिंग करते हो, उसको चेंज होने में 3-4-5 महीने का समय लग सकता है। लेकिन अगर एफर्ट्स लगाओगे तो आई कैन बेट यू ऑन दैट ही विल बी योर्स। करंट एनर्जी में रोना धोना चल रहा है आपका, बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में हो, हर पल उसके बारे में सोचते रहते हो, रोते रहते हो, रात भर नींद नहीं आती है उसके, उसको ऑनलाइन चेक करते हो ट्रूकॉलर पे, अब उसने ब्लॉक देकर रखा, फेक प्रोफाइल में चेक कर रहे हो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं करना है। ये चीज करने से आपके अंदर ही नेगेटिविटी आएगी और आप एक तरफ से मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आ जाए, मन में बहुत पॉजिटिविटी लेकर रखते हो, लेकिन रात के समय क्या होता है, ये उसे स्टॉकिंग करके आप अपने अंदर वही नेगेटिविटी लेते हो। मतलब सुबह से लेकर रात तक के जो आपने अपने एफर्ट्स लगाए अपने आप को कंट्रोल करने, रात को सब जीरो। ये चीजें मत करो अगर उसे पाना चाहते हो। आई नो ये सिचुएशन आपकी, आप मुझे पता है मेरे लिए कहना आसान है, आपके लिए करना बहुत मुश्किल है, लेकिन करोगे नहीं तो होगा भी नहीं, ध्यान रखिएगा। ये आपसे प्यार बहुत करता है, ट्रस्ट मी, ये अभी डिटैच हुआ है, फॉर अ टाइम बीइंग हुआ है, बात करूं कब तक, मैक्सिमम बता रहा हूं 2 या 3 महीने, 2 या 3 महीने के अंदर ये इंसान वापस हर हाल में आएगा, क्योंकि कार्मिक में फंसा हुआ है। ये आपसे प्यार करता है, इसने शादी के जो वादे करे हैं वादे भी पूरे करेगा, लेकिन इसको सिर्फ इसी के तरीके से ट्रीट करना है तभी होगा। साथ में कार्ड निकला यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का, मैंने कहा ना इंसान थोड़ा फ्रेटिश नेचर का है, इसके फ्रेंड सर्कल में लड़कियां ज्यादा है एज कम्पेयर टू लड़के, और आपके मन में शुरू से डाउट रहा है। जब आप इस रिश्ते में आए थे ना, रिश्ते में आने में जब ट्रस्ट हो गया था आपको इसके ऊपर, हाँ ये बंदा सच में ट्रस्टेबल है, मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसके बाद से उस समय बाद से आपके मन में फियर आ चुका था कि कहीं किसी थर्ड पर्सन से अटैच ना हो जाए, क्योंकि इसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, इसके अंदर एक कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, इसका एक ऑरा ऐसा है कि जहां खड़ा हो जाता है ना, बात करता है, लोग इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ये जो नेगेटिव फियर था ना आपके मन में, ये कहने का आपकी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन बनती चली गई, और आज की डेट में वही चीज आपके सामने हो रही है कि ये इंसान किसी और से अटैच हो और आप फिर अकेले बैठ गए हो। मैं कह रहा हूं अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लोगे तो गारंटी दे रहा हूं ये बंदा आपसे प्यार बहुत करता है और आगे शादी तक भी बात जाएगी, क्योंकि कहा 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, ये एक सोलमेट्स को दिखाता है। सोलमेट्स में क्या होता है, दोनों के बीच में डिटैचमेंट बहुत होता है, ऑन ऑफ बहुत रहता है, थर्ड पर्सन की एंट्री भी होती है, लेकिन ये अलग नहीं होते कभी भी, ध्यान रखना। और ये चीज अभी पहली बार नहीं है, कई बार आप दोनों के बीच पहले भी हो चुकी है, दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा, डिटैचमेंट, रिश्ता इस लेवल तक आ चुका था कई बार कि आप दोनों अलग हो रहे हो, लेकिन नहीं हुए ना, इस बार भी नहीं होंगे। गिव अप नहीं करना है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, आप कहीं गिव अप करते जा रहे हो, मैं फिर बोल रहा हूं रुक जाओ, एटलीस्ट इस साल के एंड तक रुक जाओ, आपको अपने आप रिजल्ट दिखाई दे जाएगा, लेकिन जैसा बोल रहा हूं वैसे करना है। मैं फिर बोल रहा हूं गिव अप की एनर्जी नहीं है आपको, 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकला, आपके अंदर एक एंजाइटी आ रही है, एंजाइटी करंट सिचुएशन आपकी इस तरीके से आ रही है कि आपको गिव अप करने मजबूर हो रहे हो आप। अच्छा मैं बोल रहा हूं कि वेट कर लो और गिव अप कर लो में क्या फर्क है, यदि मैं बोलूंगा कि गिव अप पड़ जाओ, क्या आप उसको दिमाग से निकाल दोगे, नहीं ना, तब भी दिमाग घूमता रहेगा ना, तो मैं बोल रहा हूँ इसलिए वेट करो, दिमाग में घुमाओ चलेगा, लेकिन उसको बताओ मत कि तू मेरे दिमाग में चल रहा है, तू मैं तेरे से बहुत प्यार करूं, तू जल्दी आ, ये चीज मत दिखाओ। स्टॉकिंग से ये चीज दिखती है, ये चीज आपका कॉल करने से दिखती है, ये चीज मैसेज करने से दिखती है, ये तीनों चीजें बंद कर दो, बिल्कुल अपने आप पर फोकस कर दो, अपने सराउंडिंग जो लोग आपके हैं उनसे मिक्सअप हो जाओ, आप जो फ्रेंड सर्कल उनसे मिक्सअप हो जाओ, इसके बारे में बात ही नहीं करनी है।
मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर आपने इसको एनर्जी देने बंद कर दी ना, ये पर्सन आपके पास अपने आप आ जाएगा। एनर्जी से करते हुए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिलीव करते हो ना, तो गारंटी दे रहा हूँ। बस एक छोटा सा एक मंत्र है, मंत्र ओम तारे तम सोहा। इस मंत्र का डेली जाप कर लो 108 बार। अपने मन को, मन में इंटेंशन बात है, अपने पार्टनर से अपने बेस्ट मेमोरीज को रिकॉल करना, उसके बाद ये मंत्र चैंट करना है। गारंटी दे रहा हूं आपके अंदर एक ठहराव आ जाएगा। ज्यादा है लव ब्रेसलेट आता है, लव ब्रेसलेट अपने हाथ में पहन लो, अपने अपने पार्टनर के नाम से हील कराकर दोनों के उसके अंदर ऑब्सेशन क्रिएट हो जाएगा। आपके अंदर एक स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन वो खत्म हो जाएगा, दोनों बीच में थर्ड पार्टी है वो रिमूव हो जाएगी। इस चीज की गारंटी है। लव ब्रेसलेट बहुत काम करता है, 6 क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन रहता है जो कि हर हाल में वर्क करेगा। करेगा, लेना है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। साथ में कार्ड निकला है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि मैं फिर बोल रहा हूँ, जब मैंने बताया ना ये पर्सन आएगा और हर हाल में, क्योंकि कार्मिक से निकलेगा ये। ये जो कार्ड था ना आपका 8 ऑफ कप्स का, ये भी एक कार्मिक साइकिल से निकलने को आता है। गिव अप करने का कार्ड भी होता है, कार्मिक से निकलने का कार्ड भी होता है। ये इंसान कार्मिक से निकलेगा और हर हाल में निकलेगा और ये वापस आएगा, लेकिन आपको आने के बाद इसके साथ वही सेम बिहेवियर नहीं करना जो अब तक आप गलत चीज करते आए हो उसके साथ। उसके पीछे भागना, बाबूशो ना करना, ये चीजें नहीं करनी है। आने के बाद अपना एक एटीट्यूड रखो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कहां पे गई? देखो भाई, यदि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए नहीं लड़ोगे ना, यदि आप अपनी इज्जत अपने आप नहीं करोगे, दुनिया नहीं करेगी। दुनिया से आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि सामने वाला पर्सन आपकी इज्जत करे। अपने लिए सेल्फ स्टैंड लो, अपने मगर दुनिया की हमें जरूरत क्या है कि हमारे लिए कोई स्टैंड ले। आप अपने आप में सफिशियंट हो, अपने लिए तो स्टैंड लो कम से कम, क्या मुझे मेरे लिए जीना है, मुझे मेरे लिए कुछ करना है, मुझे आगे पीछे गिड़गिड़ाना नहीं। क्यों डिपेंडेंसी है किसी के ऊपर? डिपेंडेंसी हटा दो, ये इंसान तुम्हारे पे डिपेंडेंट हो जाएगा, कंफर्म है इस चीज का। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि आपको इस समय दिखाई दे रहा है इस इंसान ने मुझे फिर से धोखा दे दिया। आपको पुराना पैटर्न जो था ना, पुराने पास में कोई रिलेशनशिप था, सेम पैटर्न रिपीट हो, आपको लग रहा है धोखा हो गया, लेकिन धोखा नहीं है। कार्ड निकला है 4 ऑफ वैंड्स का, जो कि दिखाता है कि रीयूनियन, एक सेलिब्रेशन, एक शादी, एंगेजमेंट, इसको दिखाता है। पेशेंस रख लो, ये भी कार्ड देखो, 4 ऑफ वैंड्स का आया, 4 महीने कार्ड आया ना, मैंने आपको 3 से 4 महीने बोले हैं, इसलिए बोल रहा हूँ वेट कर लो, गिव अप मत करो, ये इंसान आएगा। और हर हाल में कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का निकल गया लास्ट में, जो कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स का होता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आपके रिश्ते के ऊपर, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, रिश्ते में बहुत जान बाकी है, ट्रस्ट मी, डोंट गिव अप। मैं फिर बोल रहा हूँ ये चीजें सही हो जाएंगी। आपको जो मैंने डेट ऑफ बर्थ बताए हैं, अपने आप को चेंज कर लो, आप उसके अंदर चेंज देख लोगे, गारंटी है इस चीज की। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, जो 6 नंबर बताए 99% करी होगी, ठीक है। अगर करना चाहते हैं, इसको क्लेम करना चाहते हैं, क्लेम करने के नीचे कमेंट बॉक्स में 111 लिखना मत भूलिएगा। एंड अगर रीडिंग अच्छी लगे, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।